एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर जिला में 800 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना स्थापित एवं संचालित की गई है। इस प्रोजेक्ट की टाउनशिप यानी कि रिहायशी कॉलोनी नजदीक में जमथाल गांव में बनाई गई है। एनटीपीसी ने गांव के बिल्कुल नजदीक एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना दिया है। एनटीपीसी द्वारा इस प्लांट का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस प्लांट को खुला रखा गया है जिस कारण पूरे गांव में बदबू फैल रही है और गांव वालों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी इस प्लांट ने काफी नुकसान पहुंचाए हैं और गाँव के जल स्रोत भी इनके घेरे में आते हैं। गांव का जल स्रोत इस प्लांट के बिल्कुल नजदीक है और इस प्लांट से रिसने वाला गंदा पानी अब इस प्राकृतिक जल स्रोत से मिल रहा है जिस कारण जल स्रोत का पानी प्रदूषित हो रहा है। इस मौके पर अधिवक्ता सुमन ठाकुर ने बताया कि गांव वाले ये विषय कई बार पंचायत और एनटीपीसी के समक्ष उठा चुके हैं लेकिन एनटीपीसी ने इस विषय में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। लिहाजा गाँव वालों की मांग है कि इस सीवरेज प्लांट को तुरंत बंद किया जाए या फिर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। पंचायत के जो हमारे नुमाइंदे हैं, पंचायत प्रधान हैं, उसके अलावा हमारा जो जिला प्रशासन है उसको भी हम अवगत कराना चाहते हैं ग्रामवासियों की इस समस्या से। कंपनी का रवैया अभी तक आपने गांव वालों से के जरिए आपने सुन लिया कि उनका किस तरह का रवैया है। पिछले 10-12 सालों से ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर चल रहा है। अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जान माल की हानि हो सकती है। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एनटीपीसी से एक बार फिर दोबारा कि वो इस दिशा में ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो गांव वालों को फिर मजबूरन जो है उसके प्रति अपना कानूनी अधिकार एक्सरसाइज करने के लिए इसी साइड है तो हमें बहुत प्रॉब्लम है इससे और हम चाहते हैं कि इस तरह कुछ ना कुछ ये करें। सीवरेज प्लांट, सीवरेज प्लांट से ऐसे है कि हमारे 12 महीने से है मेन रास्ता है, लकड़ी लानी, घास लाना, हमारे पशु है, घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जब ये चलता है तो इतनी गंदी स्मेल आती है, पूरा गांव दूषित होता है इसे। और सबसे बड़ा जिससे पानी लीकेज होता है, हमारा मेन स्रोत है नीचे बावड़ी, उसमें सारा लीकेज हो रहा है और गंदा हो रहा है सारा पानी। और हमने इसको इनको कितनी बार लिख के भी दिया है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। प्रधान जी को बोला, उन्होंने बोला मेरे साथ, हमने बोल दिया इनको अब ये नहीं करते कुछ नहीं, आप कर लो जो कर सकते हैं। फिर हम अब आप बताइए क्या कर सकते हैं।